स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल बीजेपी पार्टी छोड़ी और आज उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सुल्तानपुर के कोर्ट ने उनको आगामी 24 जनवरी तक पेश होने का आदेश दिया है। साल 2014 में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अदालत में हाजिर नहीं हुए तो अपर मुख्य दंडाधिकारी एमपी एमएलए ने आरोपित पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पूर्ववत जारी गिरफ्तारी वारंट को जारी करने का आदेश दिया है। अब इस मामले में 24 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय हुई है। साफ कर दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यह नया गिरफ्तार वारंट नहीं है। वारंट पहले से जारी था लेकिन इन्होंने हाईकोर्ट से 2016 से इस पर स्टे ले रखा था। इसी 6 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट ने मौर्य को 12 जनवरी को हाजिर होने को कहा था। जब वो हाजिर नहीं हुए तो वारंट पूर्ववत जारी कर दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों यूपी की राजनीति के सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरों में शुमार हैं। मालूम हो कि मौर्य ने योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और पिछड़े दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इशारा मिला है कि मौर्य समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे लेकिन अभी उन्होंने सपा आधिकारिक तौर पर ज्वाइन नहीं की है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संगमित्रा मौर्य ने कहा है कि उनके पिता ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा जरूर दिया है लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की है।